स्वागत हैदराबाद पार्लमेंट की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत और स्वागत मुख्यमंत्री जी का स्वागत और स्वागत आदरणीय गौरवनीय श्री राजस्थान रतन रतन कांग्रेस मन भी रथ को आगे बढ़ाइए भाई स्वागत हो जी स्वागत है हार्दिक स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है श्री भजन लाल जी शर्मा जी का बैगम बाजार क्षेत्र में जय श्री राम। सारे राजस्थान भाइयों को और हमारे अग्रवाल समाज के भाइयों को बैगम बाजार सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज हमारे बीच हमारे प्रियतम नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन सिंह शर्मा सिंह शर्मा जी आए हुए हैं। उनको वो हमारे बीच में देश बना और ये है हमारे सारे अग्रवाल और राजस्थान समाज के हमारे प्यारे भाइयों और बहनों आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ने की हर क्षमता रखी है हमारे राजस्थान भाइयों को हमारा प्रणाम है और हम उनको धन्यवाद से कहते हैं जो सालों से आगे बढ़े हैं हम वो भूल नहीं सकते हैं। राजस्थान जिस प्रकार से राजस्थान भाई बहनों ने यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था को एक क्षमता देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें आपने की है पर उसी को और हिम्मत देने के लिए आए हुए हैं। अच्छी बार हम हैदराबाद भी जीत लेंगे और 700 पार भी करा देंगे। अच्छी बार अच्छी बार अच्छी बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हम राजस्थान से यहाँ तक यही बात को मानते हैं। पगड़ी नहीं हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट की भी पगड़ी है। आप हमारे शान है आप हमारे शान है इसी पगड़ी से हम ये जीतेंगे और पगड़ी का मान भी रखेंगे जीत कर इस जीत को हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तोहफे में दे देंगे। हम जय बोलो भाजपा की जय बोलो कल की। भाइयों और बहनों अभी हमारे प्रीतम नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा क्या नाम है अरे राजेश जी बहुत अच्छा मैं आपसे मिल रहा माता की भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने जिस तरह से सभी प्रवासी भाई मेरे बुजुर्ग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने जिस तरह से इस मौसम में बारिश ने भी आज यह था कि बारिश आज ही बरसेगी लेकिन उसके बावजूद भी आपने जिस जज्बे के साथ मेरे को तो एक बार लग रहा था कि बारिश इस कार्यक्रम में बाधा बनेगी लेकिन आप तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हो इतनी बड़ी संख्या में और इतना बड़ा कार्यक्रम आपने इस बारिश में भी किया है मैं धन्यवाद देता हूँ। जय जय राजस्थान
जय जय राजस्थान, जय जय तेलंगाना। भाई और बहनों, जैसा कि लता माधवी जी ने बताया आपको, आने वाला समय आपका है। 13 तारीख को हमें हमारा एक एक वोट, चाहे वो कहीं भी हो, उसे ला करके कमल के फूल के आगे वाला बटन दबाना है। और एक ऐतिहासिक जीत यहां से दर्ज करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता बहने जिस तरह से, सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहने, स्वागत के लिए सभी नमस्कार साहब, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरी माधवी लता जी को आप जानते हैं और आपने देखा है जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है और इस सामाजिक कार्यों में जिस तरह से जुटी रहती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भाई और बहनों, ये हमारी बहन इसी तरह से आपकी सेवा करेगी। ये बहन हर समस्या में आपके साथ खड़ी रहेगी। ऐसी हमारी बहन को नमस्कार, नमस्कार ले लिया मैंने।